अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VUBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नैफटेक के जो है इंटरव्यू के मैसेज आना स्टार्ट हो गए हैं, इसमें से मुझे ये मैसेज आया था, तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इंटरव्यू दे के आ चुका हूँ, तो क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ ताकि नेक्स्ट बैच पर बच्चे अप्लाई करें तो उनको आसानी हो। इससे पहले मैं गया था सर सैयद, ठीक है, उसमें काफ़ी डिफरेंस था। उसमें ये डिफरेंस था कि उसमें दोबारा से जो हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, तो वही फॉर्म वहाँ पहुँच के हम लोगों को फिज़िकल करना था, यानी दोबारा फॉर्म फिल करके और दोबारा डॉक्यूमेंट्स सारे जमा करवा के हमारा इंटरव्यू हुआ था। यहाँ पे इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। और दूसरा फ़र्क ये था कि लेट सपोज़ अगर आप सर सैयद में किसी दो कोर्सेज़ में अप्लाई करते हैं, यानी फ़र्स्ट प्रायोरिटी और सेकेंड प्रायोरिटी, तो उसमें यह था कि आपका एक ही बार इंटरव्यू होगा। लेकिन माजू में ऐसा नहीं था। माजू में जो बच्चे आ रहे थे उन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि एक फॉर्म लेने हैं या दो फॉर्म लेने हैं। इसमें एक फॉर्म में सिर्फ एक कोर्स अलाउ था, तो मुझे मालूम था, तो मैंने कहा मुझे दो में अप्लाई करना है, तो उन्होंने मुझे दो फॉर्म दिए, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ सेलेक्ट की और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, उन्होंने दो फॉर्म लिया और दो मरतबा इंटर हुए, तो ये थोड़ा डिफरेंस था। तो कुछ ऐसे ही हुआ, तो आप मेरे स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, दो फॉर्म दिए गए, एक पे मैंने अमेज़ोन में अप्लाई किया, दूसरा मैंने SEO में अप्लाई किया। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए गया तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी थी वो थी SEO, तो मैंने SEO का इंटरव्यू दिया, दैन अमेज़ॉन का इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या सवाल पूछा गया। जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था, अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बनवा आ रहा होगा कि उसको आप जाकर देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा क्या पूछते हैं, वही सवाल पूछे। बस फ़र्क इतना था कि कुछ एक्सटर्नल थे वहाँ पे जो कुछ IQ के क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मेरा तो उनसे वास्ता नहीं पड़ा। तो उसमें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, आर्मी चीफ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, इमरान खान, RFLV और कमर बजवा, ठीक है। तो यार नेट पे सर्च कर लीजिएगा, तो इस तरीके से मुझसे तो नहीं पूछे, लेकिन वहाँ पे जो है वो कुछ एक तो सर पूछ रहे थे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि ऐसे ही होता है कि बहुत बच्चे आए हुए होते हैं, उनके भी जाने की जल्दी होती है, तो वो सिर्फ एंड टाइम पे इतने सवाल नहीं पूछते, सिर्फ जो फॉर्म पर लिखा होता है वही पूछते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सिर्फ उन्होंने एज पूछी, क्यों करना चाहते हैं, इस पर इंटरेस्ट हुआ और जैसे स्पोर्ट्समैन है या हाफिज़ कुरान, बस ये पूछा और ख़त्म, ठीक है। तो इंटरव्यू तो है काफ़ी अच्छा हुआ है। बाकी ये कि इसमें भी मुझे जैसे कि 18 मार्क्स ही मिले, तो आप लोग देख लिया करें कि आपके सामने वो पेज होता है कि क्या मार्क्स दे रहे हैं या नहीं, वो आप लोग से छपाते होंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके मार्क्स देख लिया करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वीडियो बनाकर मतलब मेरा यही था कि नेक्स्ट टाइम बच्चे हो तो उन लोगों को नॉलेज पाए कि कितने बच्चों को दो में अप्लाई करना था, लेकिन वो एक फॉर्म में गए और फिर दर के आ गए। आखिर में मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू दे के आ गए लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि हम सेलेक्ट है या नहीं। तो सिंपल से इसका आंसर ये है कि अगर आप लोगों को कॉल नहीं आता तो आपके कोई दोस्त वगैरह या अंदर बंदा नेफ्टा के कोर्स में कहीं ना कहीं कोर्स कर रहा होगा, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएँ जो नेफ्टा कोर्स करवा रही है, उनसे पूछ लें भाई कि नेफ्टा के कोर्स स्टार्ट होगा या नहीं, क्योंकि हर जगह सेम ही स्टार्ट होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। अगर वो कहते हैं कि स्टार्ट होगा तो आप समझते हैं कि आपका नाम नहीं आया है, अगर वो कहते हैं कि स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है करिए लाइक करें, कमेंट करें, तो उसके बाद शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।